नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बदनाश फटाफट कुकिंग शो में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दम चिकन। दम चिकन बनाने के लिए हमने लिया है 750 ग्राम चिकन, प्याज, दही, अदरक, लहसुन, 8-10 काजू, साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया, साबुत जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला और कुकिंग ऑयल। कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम लोग डालते हैं साबुत धनिया, जीरा और लाल मिर्च। इन सब मसालों को हम रोस्ट करते हैं और तब तक आइए चिकन को भी मैरिनेट करते हैं। एक बाउल में लेंगे चिकन, इसमें डालेंगे दही, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, लहसुन, इसमें डालते हैं अदरक पेस्ट, सबको मिक्स कर लेते हैं। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है एक दूसरे से। अब इसको हम लोग मैरिनेट होने के लिए 45 मिनट्स टू 1 आवर कवर करके छोड़ देते हैं। मसाला अच्छे से भून गया है, इसे ठंडे होने के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं। कढ़ाई में हमारा ऑयल हीट हो गया है, इसमें हम लोग डालते हैं प्याज, इसे हमें डीप फ्राई करना है, पूरा ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारा पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और फिर इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। अब इसी बचे हुए तेल में थोड़ा सा काजू फ्राई कर लेते हैं। काजू फ्राई हो चुका है, इसे भी बाउल में निकाल लेते हैं और प्याज के साथ इसे ग्राइंड कर देंगे मिक्सी में। 1 घंटे हो गए हैं, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। आइए इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। एक डेक्ची में हमने ऑयल हीट किया है, इसमें डालते हैं 2 से 3 तेज पत्ता और थोड़ा साबुत गरम मसाला। इसमें हमने बड़ी इलायची और दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री इसमें डालते हैं, चिकन हमने मैरिनेट किया था। इसे थोड़ी देर तक हम लोग कवर करके पकाएंगे। आइए एक बार इसे और मिक्स कर लेते हैं। इसमें जो मसाला हमने रोस्ट करके ग्राइंड किया था उसे इसमें डाल दे रहे हैं। ये रोस्टेड प्याज का पेस्ट है, इसे भी इसमें डाल देते हैं। रोस्टेड प्याज है और इसमें काजू है, सबको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे सारे मसालों को। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, ऑलरेडी चिकन में नमक हमने डाला था, सिर्फ मसालों के हिसाब से थोड़ा सा हमने नमक डाला है और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग इसे फॉइल पेपर से कवर कर देते हैं जिससे इसका भाप बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं आ पाए, और इसे इस तरह से कवर कर देते हैं 10 मिनट्स के लिए। देखिए अच्छे से सेट हो गया है, इसे 10 मिनट्स तक
लो फ्लेम पर बिल्कुल पकाएंगे, इसका दम बनाएंगे। 10 मिनट हो गया है इसे दम देते हुए, अब आइए इसे हटा कर देखते हैं। ये देखिए इसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और चिकन भी पककर पूरी तरह से तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, आइए इसे सर्व करते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, हमने सारा रोस्टेड मसाला इसमें यूज़ किया था। चिकन दम बनाना बहुत ही आसान है, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बहुत ही बनाते वक्त बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।